हाय गाइस, सो ये है प्रॉब्लम एफ, इंटरेस्टिंग फंक्शन, कोड फोर सी राउंड 725 डिवीजन 3। प्रॉब्लम बहुत आसान है पढ़ने में। यू आर गिवन टू इंटीजर्स एल एंड आर, एल लेस देन आर। एल को हम 1111 करके ऐड करते जा रहे हैं नंबर्स, और आर बना रहे हैं। अब हमें बताना क्या है कि भाई हर एडिशन पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, ये हमें बताना है। और नंबर ऑफ ये जो है ना, चेंज डिजिट्स ऑलवेज फॉर्म अ सफिक्स ऑफ द रिजल्ट रिटन इन द, मतलब पीछे से चेंज को हम देखेंगे, ठीक है। तो और हमें टोटल नंबर ऑफ चेंज डिजिट्स बतानी है अगर हम एल को आर में कन्वर्ट कर रहे हैं 1111 ऐड करके। तो अब यहाँ पे 10 की पावर 9 है, तो इंक्रीमेंट करके तो चेक कर नहीं सकते, तो कुछ ऑप्टिमल करना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। तो एल है, आर है, अब एल प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे कर करके आर तक जा रहे हैं, और कुछ नंबर ऑफ डिजिट चेंज हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, 7 2 अगर मैं प्लस वन करता हूँ 8 होगा, तो यहाँ पर एक डिजिट चेंज हुई, 9 होगा, एक डिजिट चेंज हुई, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं 9 का एग्जांपल लूँ, 9 में अगर मैं प्लस वन करता हूँ 10, तो इसमें दो डिजिट चेंज हुई। तो हम पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। और तो बस ऐसे ही देखना था कि कितने डिजिट चेंज हो रही है, तो हमें एल टू आर करने में कितनी टोटल, मान लो 9 to 12 करना है, तो 11 और 12 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें दो डिजिट चेंज हुई, 9 में जब हमने प्लस वन करा, अब इसमें प्लस वन करेंगे एक डिजिट चेंज हुई, क्योंकि 0 1 हो गया, 1 1 तो सेम ही है, फिर 1 1 सेम है, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी एक, तो टोटल 2 + 1 + 1 4 डिजिट चेंज हुई 9 to 12 आने में। तो हमें बस यही बताना है कि कितनी डिजिट चेंज होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले तो यार ऑब्जर्व करना था कि चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि अगर मैं 1 से 2 में जाता हूँ, 2 से 3 में जाता हूँ, 3 से 4 में ऐसे ऐसे करके 9 तक जाता हूँ, तो सब में एक एक डिजिट चेंज हो रही है, ठीक है। अब जब मैं 9 से 10 में जा रहा हूँ ना, मतलब जब मैं सिंगल डिजिट से 2 डिजिट में जा रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पर चेंज जो है 2 डिजिट का चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर 10 के बाद वही है सेम, 11 12 13 डैश 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 19 तक, कि भाई इसमें भी एक डिजिट का चेंज है, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का। फिर मैं 19 से जब 20 जा रहा हूँ ना, तो फिर से 2 डिजिट का चेंज आ रहा है, क्योंकि 9 0 हो गया, चेंज हो गया, 1 2 हो गया, चेंज हो गया, तो 2 टोटल चेंज हो गए, ठीक है जी। ये मैंने ऑब्जर्व करा कि जब भी मैं 10 के मल्टीपल्स पे चेंज हो रहा हूँ ना, तो मेरा 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो अगर मैं 10 के मल्टीपल में ही जाऊँगा, लेकिन 3 डिजिट में जाऊँगा, अभी तो मैं 2 में जा रहा था, 3 में जाऊँगा तो क्या होगा, तो अब 3 का चेंज आ रहा है ना, तो 99 से 100 हो रहा है। ऑब्जर्व करना था यहाँ पर, चल क्या रहा है, 99 से 100 हो गया। अब मान लो 101 पे वही रहेगा 1, एक का चेंज, फिर 102 पे भी एक का चेंज, ऐसे कर करके 109 तक एक का चेंज होगा। अब 109 से 1110 में क्या होगा कि भाई 0 और 9 एक, 10 और यहाँ पे 2 का चेंज हुआ, ठीक है। 110 पे जब हम 109 में प्लस 1 कर रहे हैं ना, 110 में, तो 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जितने भी हमारे 10 के मल्टीपल है, देखो नॉर्मली 1 का चेंज हो रहा था अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो जब हम 10 के मल्टीपल पे जा रहे हैं, तो जो वो है ना नंबर ऑफ डिजिट्स जितने चेंज हो रहे हैं, वो 1 से बढ़ गया, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर अच्छे से लिखूं यहाँ पर कि भाई 1 to 9 तो वही था अपना 1 का चेंज, फिर जैसे 9 to 10 हुआ तो 2 का चेंज हो गया, है ना, फिर ऐसे ही 19 to 20 में भी 2 का चेंज, ऐसे 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 अपना 89 to 90 में भी 2 का चेंज, है ना, कि 0 9 अलग है, 9 और 8 अलग है। फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई हमने कहा 99 to 100 में जब डिजिट्स इंक्रीमेंट हो रही है, तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स जो चेंज हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का चेंज हुआ था, ठीक है। फिर 3 का चेंज कब होगा,
बाकी टेंस के में तो वही रहने वाला है ना, 109 और 110 में फिर से दो का चेंज, क्योंकि 09 और 10 अलग है, 11 तो सेम ही है। तो फिर ऐसे में अगर 199 टू 200 में जा रहा हूँ तो तीन का चेंज दोबारा आ रहा है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नॉर्मली तो वन का चेंज था, लेकिन जब मैं 10 के मल्टीपल्स पे जा रहा हूँ तो एक से बढ़ गया वो, है ना। और जब मैं 10 के मल्टीपल्स में ही एक डिजिट एडिशनल ले रहा हूँ, मतलब 10 था 100 चेंज जा रहा हूँ 99 से, ये 9 से 10 था तो दो डिजिट का चेंज, 99 से 100 पे जा रहा हूँ तो तीन डिजिट्स का चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं 999 से 1000 पे जाऊँगा तो चार डिजिट का चेंज होगा, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वन है, ये 1+1 है, फिर 100 जो है वो 1+1+1 हो गया, फिर 1000 जो है 1+1+1+1 हो गया, है ना। तो मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि जो नॉर्मली वन था, 10 में 1 ऐड हो गया, 100 में 1 और 1 ऐड हो गया, 1000 में 1 और 1 ऐड हो गया, ऐसे कुछ कुछ चलता जा रहा है। तो बस यही ऑब्जर्व करना था यहाँ पर, और काफी सिंपल है, मतलब ऑब्जर्व करके ही मैंने कोड बनाया, ऐसे कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं सोचा। तो इसका कोड देखते हैं फटाफट, कोड इसका हाँ, तो कॉपी पेस्ट, तो कोड में क्या है कि हमने एल और आर इनपुट करा, सॉल्व फंक्शन यहाँ पे बस इतना सा कोड है इसका छोटा सा, एल और आर इनपुट करा, मैंने कहा 1 में ऐड कर देता हूँ, एड 1 टू आंसर फॉर ऑल नंबर्स, ठीक है। एल से आर में जा रहे हैं तो मैंने सबके लिए 1 ऐड कर दिया, जैसा कि मैंने दिखाया कि 1 तो सब में ही हो रहा है, ये 1 तो सब में ही हो रहा है ऐड, ठीक है। बस जैसे ही 10 आया तो 1 1 और ऐड हो गया, फिर ऐसे ही 20 में 10 के जितने ही मल्टीपल्स हैं उसमें 1 1 और ऐड हो गया, फिर जैसे ही वो 10 में एक और 0 ऐड हुआ तो नंबर ऑफ वंस जो है वो फिर से बढ़ गए, तो 100 में भी ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं और लिखना चाहूँ तो इसे इसमें भी ऐसा ही हुआ, 200 में भी ऐसा ही हुआ, फिर 300 में भी ऐसा ही होगा, तीन का चेंज। फिर जैसे ही एक और 0 बढ़ गया तो फिर एक चेंज और बढ़ गया डिजिट का, जैसे ही डिजिट्स बढ़ रही है ना अपनी, वैसे वैसे एक डिजिट का चेंज और बढ़ जाता है, फिर उसके मल्टीपल में उतने ही चेंज ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से भी लिख के देखना, सब समझ में आ जाएगा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। मैंने क्या करा, वन वन तो मैंने नॉर्मली ऐड कर दिया सबके लिए, फिर मैंने कहा कि 10 के मल्टीपल में एक और ऐड कर दूंगा, क्योंकि 10 के मल्टीपल में एक डिजिट का चेंज और आएगा, क्योंकि एक डिजिट बढ़ जाएगी। तो मैंने लूप करा, लूप अंटिल हमारा जो भी 10 की पावर होगा, जहां तक हमें जाना है वहां तक हम लूप करेंगे, ठीक है। कंडीशन जो भी लिखी है, कंडीशन इज ट्रू, तो ये कंडीशन कब तक ट्रू होगी, जब तक जो नम होगा वो आर से छोटा होगा, ठीक है। मतलब आर बाय नम 0 नहीं हो जाएगा, आर बाय नम 0 हो गया तो एल बाय नम तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, तो जब तक हमें लूप करना है। तो हमने आंसर में ऐड कर दिया आर बाय नम माइनस एल बाय नम, मतलब 10 से कितने डिविजिबल है नंबर एल टू आर की रेंज में, ठीक है, ये वो बता रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय नम इन एल टू आर, क्योंकि उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ऐड करने के लिए मैंने, ये 1 ही है, इसको ऐसे समझो कि इतने नंबर्स हैं जो नम से डिविजिबल हैं, तो मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया। फिर मैंने नम को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, कि अब मैं 10 के लिए देख रहा था ना इनिशियली, अब मैं 100 के लिए देखूंगा कि 100 से कितने डिविजिबल है एल टू आर की रेंज में, फिर मैं उनके लिए 1 ऐड कर दूंगा, फिर ऐसे ही 1000, जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू है, मतलब एल टू आर में वो नंबर आ रहा है उतनी डिजिट्स का, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे करा था, अगर आपने देखा हो कि भाई नॉर्मली तो 1 था, फिर जब मेरा एक 10 आ गया तो मेरा एक ऐड हो गया क्योंकि डिजिट ऐड हो गई, फिर ऐसे ही सारे 10s के लिए चला 2 2 2 2, फिर जैसे ही एक और डिजिट ऐड हो गई, फिर एक और डिजिट का ऐड हो गया 1, फिर वो ऐसे ही चला, मतलब 100 200 300 इन सब के लिए वही चला, तीन तीन डिजिट्स का चेंज चला, कब तक, 1000, जैसे ही 1000 आया फिर 4 हो गया, तो मैंने सबके लिए 1 1 ऐड कर दिया, पहले
वन इसके लिए, फिर टेंस के लिए सब वन, फिर हंड्रेड्स के लिए वन, फिर थाउजेंड के लिए वन, जब तक कि ये नंबर जो है एल टू आर में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यही करा है, बस काफ़ी सिंपल है, तो आसान था इसका कोड, समझ ही आ गया होगा शायद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आया कुछ, तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।